Hey guys, welcome on my YouTube channel, Learn with Fun Biology. So, आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज दिस. सो आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा. तो ये जो टॉपिक है ये है डाइजेस्टिव सिस्टम. और हम आज के वीडियो के अंदर ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन कहाँ पर होता है. क्योंकि जब मैं भी अपने क्लास 11th और 12th में थी और मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ती थी, तो मैं ऐसे होती थी कि यार इतनी सी बॉडी, इतने ऑर्गन्स कैसे रहते कैसे हैं. तो कुछ समझ में नहीं आता था मुझे. तो बहुत टाइम तक ये भी नहीं पता था कि हमारा लिवर किधर होता है, स्टमक किधर होता है. एंड आई होप आप में से बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता होगा. तो जिसको नहीं पता है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अकेली ऐसी बुद्धू हूँ. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आप में से कितने लोग नहीं जानते हो कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर कौन सा ऑर्गन होता है. सो आज की वीडियो के अंदर हम बहुत अच्छे से ये समझने वाले हैं कि कहाँ पर कौन सा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो ज़्यादा शेयर करना, अपने व्हाट्सएप स्टेटस ग्रुप में डाल सकते हो आराम से. ठीक है, चलो शुरू करती हूँ आज का वीडियो. देखो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है. मेरी आर्ट इज़ नॉट सो मच गुड बिकॉज आई एम अ डॉक्टर. डॉक्टर्स की राइटिंग एंड आर्ट्स बहुत अच्छे नहीं होता है. तो इतना अभी समझो कि ये मैंने आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया है. ठीक है, सो हम बात करेंगे सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम में आती है सबसे पहले हमारी वोकल कैविटी, जिसको हम बोलते हैं माउथ. के अंदर होते हैं टीथ एंड टंग. ठीक है, तो ये तो सबको दिखता है यानी बहुत क्लियर है. उसके बाद शुरू होता है हमारा फेरिंग्स आता है, जो कि मैं इसमें अभी आपको नहीं दिखा रही हूँ. उसके बाद आता है ऑइसोफेगस. जो ऑइसोफेगस है वो यहाँ से ऐसे करके नीचे आता है. बट ऑइसोफेगस के अलावा हमारी बॉडी के अंदर ना दो पाइप होते हैं. एक होता है फूड पाइप, एक होता है विंड पाइप. ठीक है, देखो जो फूड पाइप होता है उसको हम बोलते हैं ऑइसोफेगस, और जो विंड पाइप होता है उसको हम बोलते हैं ट्रैकिया. तो जो ट्रैकिया होता है ना वो आगे की साइड में होता है. ठीक है, यहाँ पे आगे की साइड में होता है. उस ट्रैकिया के ऊपर ही होती है थायराइड ग्लैंड. आपने थायराइड के बारे में बहुत सुना होगा कि मेरी मम्मी को थायराइड है, मेरे पापा को, मतलब पापा को तो बहुत ही कम होता है, मम्मी को थायराइड है, मेरी बुआ को, मेरी चाची को, मामी को, मौसी को. सो वो जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, वो जब वो डिसफंक्शन करने लगती है, वो सही से अपना वर्क नहीं करती है, तो थायराइड की प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं. सो वो जो थायराइड ग्लैंड होती है वो ट्रैकिया के ऊपर ही होती है. सो आगे की साइड में क्या होता है, आगे की साइड में होता है ट्राकिया. और पोस्टीरियरली, मतलब जब आप एनाटॉमी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये साइड जो होती है इसको हम बोलते हैं एंटीरियरली, और इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियरली. ठीक है, सो ये जो पोस्टीरियरली है वहां पर हमें ज्यादा अच्छे से बेटर फील होता है ऑइसोफेगस. ऑइसोफेगस जो कि क्या है, हमारा फूड पाइप है. तो हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली जो इतना पोर्शन, मतलब कि यहाँ से लेकर और पेट तक नीचे तक, तो वो दो कैविटीज़ होती हैं. एक होती है थोरैसिक कैविटी, एक होती है एब्डोमिनल कैविटी. सो मैं दिखाती हूँ इसमें. देखो ये जो ये वाला पोर्शन है इसको हम बोलेंगे थोरैसिक कैविटी, क्योंकि यहाँ पर क्या आते हैं, यहाँ पर होते हैं हमारे लंग्स, यहाँ पर होता है हार्ट. तो इसको हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी. और उसके नीचे का जितना भी पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी. तो मैं आपको बता देती हूँ. देखो जिस तरीके से आप देख सकते हो, सो ये इतना पोर्शन है सब एब्डोमिनल कैविटी. तो इस एब्डोमिनल कैविटी में क्या क्या है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ. ओके, सो शुरू कहाँ से हुई. ये है ऑइसोफेगस, दिस इज ऑइसोफेगस, दिस इज द फूड पाइप, जो कि पीछे पोस्टली ज्यादा में अच्छे से फील होता है. उसके बाद ये जाकर ओपन होता है हमारे स्टमक में. स्टमक में जहाँ पर ओपन होता है, इस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं, इस ओपनिंग को जो कंट्रोल करता है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो ऑइसोफेगल स्फिंक्टर. इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे बात की हुई है. और उसके बाद ये जो स्टमक है ये ओपन होता है इनटू द डियोडिनम. ये आपको छोटा सा दिख रहा होगा, ये दिस इज द डियोडिनम. ठीक है, तो अभी देखो ड्यूडेनम कहाँ से आया, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए. देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके भी थ्री पार्ट्स होते हैं, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके भी थ्री पार्ट्स होते हैं. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनके थ्री पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है ड्यूडेनम जो कि अभी मैंने आपको दिखाया, उसके बाद होता है इलियम एंड जेजुनम. ठीक है, डी जे आई. ओके, सो ये पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और दूसरी होती है लार्ज इंटेस्टाइन. सो लार्ज इंटेस्टाइन के भी होते हैं थ्री पार्ट्स. वो थ्री पार्ट्स क्या क्या होता है, पहला होता है कोलन, सीकम एंड रेक्टम. तो ये तीन पार्ट होता है, CCR, कोलन, रेक्टम एंड सीकम. सो स्टार्ट विद द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो जो ड्यूओडेनम होता है, ये
जो ड्यूडेनम होता है ये किससे अटैच होता है? विद द स्टमक, ठीक है। और ये आपका पोर्शन शुरू हो जाता है, ये जो साइड में होती है ना, ये लंबी सी, ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन। क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या होता है, आई विल शो यू। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम, एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बीच में ऐसे गुच 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 होती है, ठीक है। तो ये रहा ड्यूडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और फिर उसके बाद हमारा फूड जो है वो जेजुनम एंड इलियम में जाता है, ये जेजुनम और इलियम जो कि किसके पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के। और उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर ये एनस के थ्रू पहले रेक्टम में एक टाइम तक इकट्ठा रहता है, और जब हमारी बॉडी में सिग्नल पहुंचता है टू द ब्रेन, सो यहाँ पर एनस के थ्रू वो जो हमारी फीसेस होती है वो पास हो जाते हैं, ठीक है। सो आपको समझ में आया ना इतना पोर्शन जो मैंने ये यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे करके समझाया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने लिवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन, इन सब के बारे में कुछ नहीं बताया, तो मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि देखो ये जो है पोर्शन, ये होता है हमारा लिवर, ठीक है। इस लिवर के अंदर एक गड्ढा होता है जिसमें होता है गॉल ब्लैडर। सो आपने बाइल का नाम बहुत बार सुना होगा, बाइल से रिलेटेड चीज़ें सुनी होंगी। सो जो बाइल होता है ना, वो बनता कहाँ है, हमारे लिवर के अंदर, और वो स्टोर और कंसनट्रेटेड कहाँ होता है, हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, जो हमारा बाइल होता है उसको इकट्ठा करके रखना, उसको कंसनट्रेट करके रखना, ठीक है। सो ऐसा एलोपैथी में कहा जाता है कि अगर आप गॉल ब्लैडर को रिमूव करवा देते हैं, क्योंकि गॉल ब्लैडर में हो जाता है स्टोन, और अगर हम उसको रिमूव करवा देते हैं तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट इन होम्योपैथी अगर मैं बात करूँ तो यही कहा जाता है कि जब तक हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, ट्राई टू ट्रीट इट विद अ मेडिकल मेडिसिन, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी सर्जरी कर दें, क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन है सो उसकी कहीं ना कहीं कोई इंपॉर्टेंस होती है। सो अगर आप अपने बॉडी के ऑर्गन्स को रिमूव करवा देंगे, जैसे कि लोग हिस्टेक्टोमी करवाते हैं, दैट मीन्स यूट्रस को रिमूव करवा देते हैं बॉडी से, सो उसके भी बहुत अफेक्शंस पड़ते हैं, क्योंकि यूट्रस इज द पार्ट जिसकी वजह से मेल और फीमेल को डिफरेंस किया जा सकता है, क्योंकि यूट्रस कभी मेल में नहीं हो सकता है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि गायनेकोमेस्टिया जो है वो मेल में हो जाता है, बट कभी भी आपको ये नहीं सुना होगा आपने कि मेल में यूट्रस है। सो इसीलिए देयर इज अ सम पॉइंट कि हमें यूट्रस को रिमूव नहीं करवाना चाहिए। बहुत सारे चीजें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे कभी बाद में, बट अभी हम जो बात कर रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं कि गॉल ब्लैडर जो है वो, उसका मेन काम क्या होता है, हमारा जो बाइल है उसको स्टोर और कंसंट्रेट करके रखना। तो क्या होता है, जो हमारा फूड होता है, हमारा फूड यहाँ से आया चलता फिरता, यहाँ पे क्या हुई पेरिस्टाल्सिस, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है पेरिस्टाल्सिस क्या होती है। सो पेरिस्टाल्सिस के थ्रू हमारा फूड आया इन द स्टमक, और स्टमक में ये रहा फूड, और फूड के ऊपर बहुत सारे एंजाइम्स ने किया काम। एंजाइम्स ने क्या काम किया, जैसे कि HCL आया, पेप्सिन आया, बहुत सारे एंजाइम आए, लाइपेजेस आया, तो उन सब ने आकर यहाँ पर एक्शन किया, और यहाँ हमारा फूड क्या कहने लगा, काइन कहलाने लगा। उसके बाद वो धीरे धीरे कहाँ पर आया, ड्यूडेनम में आने लगा। तो जब ये ड्यूडेनम में आता है, दिस इज द पार्ट जो कि हम ड्यूडेनम में अंदर होता है, सो ड्यूडेनम में जब फूड होता है तो इस पर बहुत सारे एक्शंस करते हैं एंजाइम्स, जैसे कि क्या, पेनक्रिया से आता है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, क्योंकि ये है तो ये कुछ तो देगा ना। तो फूड को क्या करता है, फूड पर पेनक्रियाटिक जूस एक्ट करता है, यहाँ से बाइल एक्ट करता है इस पे, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत सारी डक्ट होती हैं, ये जो हिपैटो बिलियरी सर्कुलेशन होता है ना, मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी समझना। क्योंकि आपने सुना होगा सिस्टिक डक्ट, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, तो ये सब ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे उसके बाद जब आपको ये लिवर वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, तब आपका बहुत दिमाग फिरेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना अच्छे से। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके याद दिलवा देना, मैं डेफिनेटली उस पर भी एक वीडियो जरूर बना दूंगी। तो हम कहाँ पे थे, हाँ, तो ये लिवर और ये पैनक्रियाज से जो भी जूसेस निकलते हैं वो फूड पर एक्ट करते हैं, और उसके बाद ये जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब कि ड्यूडेनम में है, तो उसके बाद ये पहुंचता है हमारे जेजुनम में और इलियम में फूड पहुंचता है, और सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होता है हमारे फूड का वो होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो बहुत इंपॉर्टेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में बॉडी के लिए, क्योंकि वहाँ पर ही सारा डाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद
ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेशन में कुछ खास एक्ट नहीं करती है. क्यों? क्योंकि मेनली ये बस ये जो हमारा वाटर होता है या ड्रग्स वगैरह कुछ होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है. अदरवाइज सारा डाइजेशन जो है सबसे ज़्यादा मेन वो होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. नाम क्या है? स्मॉल, बट काम बहुत बड़ा है, लेंथ भी बहुत बड़ी है. आपको पता होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या लेंथ होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जर देन द लार्ज इंटेस्टाइन. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कितनी लेंथ होती है, क्योंकि आई वॉन्ट कि आप सब भी खुद से अवेयर हो अबाउट योर बॉडी, अबाउट योर बॉडी ऑर्गन्स, इट्स पार्ट्स एंड सो मैनी मोर थिंग्स जो कि हमारी बॉडी से रिलेटेड हमें पता होनी चाहिए, ठीक है. तो और उसके बाद जो भी हमारा फूड जितना डाइजेस्ट होना था वो बॉडी में हो जाता है, और फिर उसके बाद ये एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है. सो इट्स सिंपल. अब एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ थ्रू माई बॉडी, ठीक है. सो देखो आई टेल यू कि दिस इज माई लेफ्ट साइड. जो लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्या इसके यहाँ पर होता है स्टमक, एंड दिस इज माई राइट साइड, तो यहाँ पर होता है लिवर, ठीक है. सो यहाँ पर होता है लिवर. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमें कुछ समझ भी नहीं आता हमारी बॉडी में कहाँ पर कौन सा पार्ट है. तो इसीलिए आई एक्सप्लेन यू थ्रू माई बॉडी, एंड आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आई जस्ट वॉन्ट कि आप उसको लाइक ज़रूर किया करिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. सो इससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे, और आपको जिस भी टॉपिक पर कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि मैं ट्राई करूँगी कि मैं उस पर अच्छे से प्रिपेयर करके आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाऊँ. टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय.